मेरा मिट्ठू मैंगो खा रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है, मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस, वीडियो में बने रहेगा, फुल वॉच कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दिखाते हैं कि आज हम पूरे दिन में क्या करते हैं और खाने में क्या बना रहे हैं, नाश्ते में क्या बना रहे हैं। तो गाइस, वीडियो बने रहेगा, फुल वॉच कीजिएगा। नाश्ता बनाने आ गई हूँ, जा रही हूँ नाश्ता बनाने। तेल गर्म हो गया है, प्याज बन गया अच्छे से, मसाले मसाले अच्छे से भुन गए हैं। डालेंगे चने, मसाले अच्छे से भून गया है। इसमें डालेंगे पानी, गाइस नाश्ता बना चुके हैं, सबका नाश्ता दे भी चुके हैं। तो लोग नाश्ता कर रहे हैं बाहर और मैं अपना नाश्ता जा रही हूँ निकालने। मेरा नाश्ता तैयार है, इधर चना और इधर दो रोटी, सिंपल सा मेरा नाश्ता है। और इधर सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, देखिए इधर अनूप भी नाश्ता कर रहा है, इधर मम्मी भी नाश्ता कर रही है, इधर हरीश नाश्ता कर रहा है। तो अब हम जा रहे हैं अपना नाश्ता करने, इधर सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, इधर हरीश नाश्ता कर रहा है। मेरा मिट्ठू मैंगो खा रहा है। मिट्ठू, मिट्ठू बेटे, मिट्ठू इधर मैंगो खा रहा है। मिट्ठू सब्जी बनाने, मसाला तैयार हो गया है, अब जा रही है डाली पीसने इसको, जीरा लहसुन मिर्चा और सब्जी में क्या बनता है अभी दिखाएंगे। कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें डालेंगे सरसों का तेल, देखिए गाइस इधर सब्जी हमारा कंप्लीट हो गया। आलू बैंगन की सब्जी है बना रहा है और इधर टमाटर, इधर प्याज और ये मसाले डाली ले गई थी पीसने के लिए, ये भी तैयार है, लहसुन मिर्चा जीरा। और इधर तेल गर्म हो गया, इसमें प्याज डाल दिए हैं, अच्छे से इसको भूनेंगे। प्याज अच्छे से भून गया है, अब इसमें डालेंगे मसाले। ये गए इसमें मसाले, ये हल्दी, नमक, अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर उसको अच्छे से मसाले साथ भूनेंगे 5 मिनट, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, फिर डालेंगे सब्जी। देखिए मसाले कितने अच्छे से भून रहा है, टमाटर मसाले, देखिए मसाला कितने अच्छे से एकदम टमाटर गल गया और मसाले तेल छोड़ दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे सब्जी और मिक्स करेंगे अच्छे से। मसाले एकदम तैयार है, मसाले मसाले अच्छे से भून गए, इसमें हम डालेंगे आलू बैंगन सब्जी।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है। देखिए मेरा सब्जी एकदम मिक्स हो गया अच्छे से। अब इसको 5-7 मिनट अच्छे से भूनेंगे लो फ्लेम पे, फिर डालेंगे पानी थोड़ा सा। इधर चावल भी तैयार हो गया हमारा। देखिए सब्जी भूनते भूनते 5 मिनट हो गया है, कितना बढ़िया दिख रहा है। सब्जी भूनते भूनते 5 मिनट हो गया। अभी इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 2 गिलास डालेंगे। पाँच सात मिनट में सब्जी 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। सब्जी मेरा एकदम कंप्लीट हो गया, देखिए बन के कितना अच्छे से बन गया है। सब्जी बन गया, चावल ही बन गया। अब थोड़ी देर में सब लोग खाना खाएंगे। देखिए गाइस, मम्मी जा रही है मौसी के घर, उसकी लड़की का विदाई है। हम नहीं जा रहे हैं, हम भी जाते पर नहीं जा रहे हैं। देखिए गाइस, हम लोग का खाना लग चुका है। इधर डाली, इधर हरीश और इधर मेरा। देखिए आलू बैंगन का सब्जी और खाना लग चुका है। इधर सैलेड में थे काट ली हूँ, प्याज है, खीरा है और एक नींबू है, इसको निचोड़ के इसमें तब हम लोग खाएंगे। तो देखिए सबका खाना लग गया, ये लोग खाना खाना स्टार्ट कर दिए। मम्मी आज नहीं है, मौसी घर पे गई है। इधर मेरा खाना है आलू बैंगन का सब्जी, चावल और ये मिर्ची का अचार है और सैलेड है। तो देखिएगा इस खाना वाना लग गया एकदम बढ़िया से। अब सब लोग खाना खा रहे हैं, मम्मी गई है मौसी के घर, तो अब हम भी जा रहे हैं खाना खाने। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। और बताओ जी, खाना कैसा बना है? कैसा बना है अनूप खाना? बहुत बढ़िया बना है, मस्त बना है। सैलेड के साथ एकदम मजा आ जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए से ब्लॉग में। प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस, बाय।